आज मैं जाने वाला हूँ कॉलेज, अपना कॉलेज टूर करने वाला हूँ और आप लोग आप सभी को अपना कॉलेज दिखाने वाला हूँ आज। मैं पहुंचा हूँ फिलहाल अपना ही कॉलेज, गॉफ कॉलेज। तो अभी आपको गॉफ कॉलेज का सब कुछ नज़ारा दिखाने वाला हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ देव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम के डी देव। आज मैं जाने वाला हूँ कॉलेज, अपना कॉलेज टूर करने वाला हूँ और आप लोग आप सभी को अपना कॉलेज दिखाने वाला हूँ आज। और सबसे बड़ी बात आज है सरस्वती, सबसे बड़ी बात है आज सरस्वती पूजा है। सो हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के पास ये वीडियो पहुँचते पहुँचते बहुत देर भी हो जाएगा शायद, तो सॉरी फॉर डी लेट। लेकिन क्या करें, लेकिन पूजा का टाइम उठाने वाला भी वीडियो है, तो आज कुछ जोश बनाए। बहुत सालों के बाद जा रहा हूँ अपना कॉलेज देखने के लिए। उसी कॉलेज और मैंने उसी कॉलेज पे अपना डिग्री किया था, तो वही कॉलेज अभी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस मेरे कॉलेज भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात मतलब मैं कॉलेज एंटर हुआ था 2014 को, 2014 जून महीना का 30, और मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ था 2019 को। तो अपना इतना तो इसके बीच में इतना सालों का गैप्स में पता नहीं कैसे कैसा हुआ होगा मेरे कॉलेज, पता नहीं। तो आज जाके देखूंगा और आप सभी को दिखाऊंगा भी अपना कॉलेज कैसे। तो गाइस देखिए, और शायद कॉलेज में बात कर पाओ या ना पाओ, क्योंकि सरस्वती पूजा का मौसम है तो आदमी होगा, भीड़ भाड़ रहेगा, तो बात नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा। तो गाइस सीधा मिलते अपने कॉलेज पर, तो दिखाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो Let's start our journey. सो गाइस मैं पहुंच गया फिलहाल अपना ही कॉलेज, गॉफ कॉलेज। तो अभी आपको गॉफ कॉलेज का सब कुछ नज़ारा दिखाने वाला हूँ। वैसे आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, स्टूडेंट्स सब जितना सारा बहुत अच्छा से मना रहे। अभी सब कुछ दिखाऊंगा, तो भीतर जाने के बाद इतना एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाऊँगा। सो बाद में एंडिंग में एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो अब की आपको बस अभी सीन दिखाते जाएंगे, अभी शुरुआत से लेके एंडिंग तक सीन दिखाएंगे आपको। बहुत सारा अवेलेबल, बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा ब्यूटीफुल सीन आपको दिखाते जाते रहेंगे। तो गाइस देखते रहिए मेरे इस वीडियो को और मजे ले जाए आज का ब्लॉग का।
is a winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. I've been living this year. That is already the season. 멸탈은 감정에 휩싸여 living in prison. 갈 사람은 가고 남는 사람 남는 treason. 다시 차가운 공기가 우리 몸을 감싸 breathing. I'm feeling all this Christmas. 눈이 내 위에 앉아. 내가 기다리는 Christmas. 너도 나를 원할까? Are we business? Are we Christmas? 우린 조금 다를까? 마음의 방향이 맞지 않는 것 참 아프니까. I've been loving this year. I've been hating this year. Flying this year, I've been crying this year. I don't wanna be so drowned tonight. I don't wanna be so drowned tonight. It's a winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. Fuck around and getting all this on me, baby. Loving all you got, but I'm hesitating. I be trying damn so hard, but you're still my baby. Why don't we just pull around and just love it, baby? Baby, 너도 나를 원한다면 우리 맞춰가. 일방적인 사이 아닌 너도 서로 알아가. 나만 맞추는 게 아니라 너도 더 맞춰가. 서로 원하는 건 같은데 왜 우린 다툴까? I mean I'm trying to be man you want me to be. I mean I'm trying to be solving all the like go on a roller skate. You ain't know nothing like shade. I've been so wavy like say I'm just trying to be me. It's a winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. I'm looking at from Golf College. जो आप लोग को दिखाना था. और मैं जो पहले बोला था कि बहुत कुछ चीज़ बताने आपको बारे में, मतलब ये है कि जब हाफलॉन्ग गोल्फ कॉलेज नया, मतलब पहले से तो था, बहुत पहले से था, अब कौन सा ईयर्स पे हुआ था कौन सा डेट पे हुआ था ये मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे भी ठीक से याद नहीं. लेकिन बट ये नया जब इनाग्रेशन हुआ था, इनाग्रेशन के लिए ये हम लोगों का आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा वो आए थे यहाँ पे और आके यहाँ इनाग्रेशन किया. और जितना भी आपने देखा यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर आने के बाद ही ये सब कुछ चीज़ यहाँ पे ओपनिंग है. जैसे कि स्पेशली यहाँ का बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल पहले से था लेकिन और भी थोड़ा बढ़ाया गया और थोड़ा एक्सटेंशन किया गया. और जो गर्ल्स हॉस्टल है उसको भी थोड़ा एक्सटेंशन किया गया. अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स हॉस्टल का जो थोड़ा सराउंडिंग वो लॉक करके रखा है, लेकिन सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल का थोड़ा सराउंडिंग ओपन है, जिसके वजह से मैं आपको बॉयज़ का हॉस्टल ही थोड़ा एक्सप्लेन कर पाया, दिखा पाया. तो और तो कुछ था नहीं क्योंकि पूजा का मौसम है, लोगों का भीड़ भाड़ था और अचानक बारिश आ गया था, आपने देखा. तो बारिश की वजह से मैं शूटिंग कर नहीं पाया. तो जितना भी दिखाया आई होप आप लोग को बहुत अच्छा ही लगा होगा. तो यही कॉलेज है जहाँ पे मैंने अपना डिग्री किया था, जहाँ पे मैंने अपना कॉलेज स्टडी यहाँ पे मैंने किया था. यही इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ और इसी कॉलेज पे मैंने अपना स्टडी किया था, डिग्री किया था मैंने यहाँ पे. तो अपना कॉलेज को देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हो ना हो यही मेरा ही कॉलेज, अपना ही कॉलेज है, बहुत अच्छा है. और स्पेशली यहाँ का जो स्टूडेंट है तो यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छा है. हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक स्टेट से यहाँ आके पढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ स्टडी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे पोलाइटली रहते हैं. स्टूडेंट लोग भी यहाँ का बहुत अच्छा है और यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पे झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, तो हमेशा मिलाप रहते हैं उनके स्टूडेंट के बीच में. लड़का हो या लड़की कोई भी यहाँ पे आके मतलब अननेसेसरी इलीगल काम यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों का ये स्पेशलिटी है जो बहुत अच्छा लगता है. और
मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इतना साल जो मैंने पढ़ा यहाँ पे हाफलॉन्ग गर्ल्स कॉलेज में, जितना भी साल जितना भी हो, उस टाइम में इतना नया तो नहीं था, बट पुराना था, बट जितना भी अभी जाके नया सुंदर दिखाई दे रहा है आप सभी को, पहले इतना ऐसा नहीं था। तो जो भी हो, है तो अपना ही कॉलेज, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। तो अभी इतना सुंदर अच्छा डिजाइनिंग देखिए, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बस गैस इतना ही बताना था, अभी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होगा ये मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन आई होप कि कोई अच्छा जगह ही होगा। तो ये बोल के आज का छोटा सा ब्लॉग ये पे स्टॉप कर दें। तो गैस अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।